कुछ गुंडे बद्रे को किडनैप करके बस के ऊपर एक रस्सी से बांध देते हैं। कुछ देर बाद बस एक पुल के ऊपर से गुजरती है। बद्रे बहुत कोशिश करके रस्सी खोल देता है। अब उसके सामने बस से कूदने के लिए तीन रास्ते हैं। पुल की एक तरफ पानी बह रहा था लेकिन बद्रे को तैरना नहीं आता था। दूसरी तरफ घास था लेकिन घास के बीच बीच में स्टोन भी थे। बद्री अगर सही जगह पे नहीं गिरा तो उसे चोट भी लग सकती थी। और तीसरा ऑप्शन था कि वो सीधे सड़क पे कूद जाए, लेकिन बस तेज थी इससे उसके हाथ पैर टूट सकते थे। तो क्या आप बता सकते हो फ्रेंड्स, बद्री को क्या करना चाहिए और कौन सी तरफ कूदना चाहिए? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बद्री को पानी में कूदना चाहिए क्योंकि ध्यान से देखिए, बस के ऊपर एक ट्यूब रखा हुआ है। बद्री उसे पकड़कर पानी में कूद सकता है और ट्यूब की मदद से वो पानी में डूबेगा भी नहीं और अपनी जान बचा सकता है। आप क्या सोच रहे थे मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते। बद्री और छोटू हाइड एंड सीक खेल रहे थे। बद्री दाव ले रहा था और छोटू छुपने वाला था। बद्री अपनी आंखें बंद कर लेता है और छोटू घर के अंदर कहीं छुप जाता है। बद्री उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है। घर के अंदर तीन कमरे थे। बद्री को समझ नहीं आ रहा था कि छोटू कौन से कमरे में छुपा हुआ है। क्या आप इन तीन कमरों को देख के बता सकते हो छोटू कौन से रूम में गया होगा? सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले कमरे में तो दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है और तीसरे कमरे का लॉक काफी ऊपर है और बंद भी दिख रहा है। वहाँ तक छोटू का हाथ पहुँच नहीं सकता। इसका मतलब छोटू दूसरे कमरे में छुपा होगा। बद्री वहाँ जाता है और छोटू मिल जाता है। बद्री गुगी द डॉन का पीछा कर रहा था लेकिन गुगी द डॉन बद्री को चकमा दे के आगे निकल जाता है तो उसे सामने दो घर दिखते हैं। वो एक घर का कांच तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। तभी दूसरे घर का भी कांच टूटता है। तभी बद्री वहाँ पहुँच जाता है। क्या आप दोनों घर को देख के बता सकते हो गुगी द डॉन किस घर में घुसा होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। घर बी में देखिए, कांच के टुकड़े घर के बाहर पड़े हैं, मतलब कांच घर के अंदर से तोड़ा गया है। लेकिन गुगी द डॉन ने तो कांच बाहर से तोड़ा है, मतलब गुगी द डॉन घर ए में घुसा है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दिन बद्री अमायरा के लिए 10 केजी आम खरीद के ले आता है लेकिन उसमें से 1 केजी आम बंदर उठा के भाग जाता है और 4 केजी आम सड़ जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हो टोकरी में अभी कितने आम बचे होंगे? सोचिए और आपका आंसर मुझे फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1 केजी आम तो बंदर उठा के चले गए थे तो 9 केजी हो गए। अब 4 केजी आम सड़ गए हैं, लेकिन है तो टोकरी में ही ना, तो टोकरी में टोटल 9 केजी आम बचे होंगे। था ना बहुत ही सिंपल? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉक्टर बद्री को 2 पेट दर्द और 2 सर दर्द की गोलियां देता है। दोनों दिखने में एकदम एक जैसी होती है। बद्री घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट और सर में दर्द होने लगता है। अब उसे 1 टेबलेट सर दर्द की और 1 टेबलेट पेट दर्द की लेनी है। जैसे ही वो चारों टेबलेट निकालता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी 2 गोलियां पेट दर्द की है और कौन सी 2 गोलियां सर दर्द की है। अब उसे बस 1 सर दर्द और 1 पेट दर्द की गोली लेनी है। अब इन 4 गोलियों में से वो कैसे एक एक गोली लेगा? चारों गोलियां तो दिखने में एक जैसी है। क्या आप बद्री की मदद कर सकती हो फ्रेंड्स?
चलिए इसका आंसर देखते हैं। बद्री चारों टेबलेट के टुकड़े कर देता है और हर टेबलेट का आधा आधा टुकड़ा खा लेगा। तो इस प्रकार आधे आधे टुकड़े से एक एक गोली भी बन जाएगी और बद्री एक सर दर्द और एक पेट दर्द की गोली भी खा लेगा। है ना बद्री, बहुत ही इंटेलिजेंट। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। रात होने लगी थी और बद्री जंगल में फंस जाता है। वो मैप निकाल के देखता है तो उसे समझ आता है कि उसे नॉर्थ में जाना है। वो अपने बैग में से देखता है तो उसे 3 कॉम्पास मिलते हैं। वो तीनों से डायरेक्शन चेक करता है लेकिन तीनों कॉम्पास अलग अलग डायरेक्शन बताते हैं। तो क्या आप तीनों कॉम्पास को देख के बता सकती हो कौन सा सही डायरेक्शन बता रहा है और नॉर्थ की तरफ है, लेफ्ट में, राइट में या सीधे? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सामने देखिए सनसेट हो रहा है, मतलब सामने वेस्ट है। अगर सामने वेस्ट है तो राइट में नॉर्थ होगा और कॉम्पस सी राइट में नॉर्थ बता रहा है। हमेशा कॉम्पस के नॉर्थ को एन सिंबल से मैच कीजिए तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा। बद्री राइट लेता है और आगे बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक पिक्चर आया है जिसे देख के क्या आप लोग बता सकते हो इनमें से कौन सा कपल भूत है? ध्यान से इस पिक्चर को देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बता पाए इनमें से कौन भूत है? यहाँ पे ये वाला कपल भूत है क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से अबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। दोस्तों, आपके सामने 4 पिक्चर आई है जिसमें से कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है आप लोगों को वो ढूंढना है। ध्यान से इस पिक्चर को देखिए, ऑड वन आउट पिक्चर को ढूंढिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ पे ये वाला ऑड वन आउट है।